हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन आनंद ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं टाटा सफारी की पावर के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार दोस्तों कितना ज़्यादा पावरफुल कार है, और इसी कारण ये कार बहुत ज़्यादा फेमस भी है अपने सेगमेंट में। पिछला वीडियो दोस्तों मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो पर बनाया था, तो अगला वीडियो उसके कंपटीटर यानी कि टाटा सफारी पर है। तो देख सकते हैं वीडियो में कि टाटा सफारी ये डाइकोड वर्जन वाला है कितने आसानी से रिवर्स को क्रॉस कर रही है। और ये अगले वीडियो में देखिए ये पूरा नदी जैसा, नदी ही कह सकते हैं इसे। इसमें आप देखिए टाटा सफारी कितना ज़्यादा अच्छे से बिना किसी दबाव के रिवर को क्रॉस कर रही है। देखिए पूरा वीडियो और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोस्तों नई वाली टाटा सफारी है यानी कि टाटा सफारी स्टॉर्म है। देखिए कितनी आसानी से ये पानी के नीचे रॉक्स है, छोटे छोटे रॉक्स है, पर ये कार आसानी से इसे क्रॉस कर जाती है। दोस्तों ये कार बनी ही है ऑफ रोडिंग करने के लिए। वीडियो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वीडियो में देखिए ब्लैक कलर की टाटा सफारी, ब्लैक कलर में और भी ज़बरदस्त लगती है ये कार। ये नई वाली टाटा सफारी स्टॉर्म है। देखिए कितनी आसानी से मड कीचड़ और पानी के बीच से ये निकल रही है। और ये अगला वीडियो देखिए, ये है पुरानी वाली टाटा सफारी यानी कि टाटा सफारी डाइकोड वर्जन वाला। ये पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है, ये आसानी से इसे क्रॉस कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दूसरे कार पे भी उसका पावर देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। बाय बाय।